हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है आई डोनेशन, या जिसे हम नेत्र दान भी कहते हैं। और आई डोनेशन या नेत्र दान एक इस तरह की चीज़ है जिससे एक अंधा इंसान दोबारा देख सकता है। तो आज हम नेत्र दान या आई डोनेशन के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। और अगर आपके मन में इच्छा है कि आप अपनी आंखों का दान करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, इसके ऊपर आज हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कल की हैवी ओटी के बाद आज हम निकले हैं सुबह ड्राइव पे एंड बात करेंगे आई डोनेशन के बारे में। बिल्कुल, आई डोनेशन बहुत ऐसा टॉपिक है जो ऑफकोर्स हम दोनों के दिल के ही बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा। एंड आई रिमेम्बर जब हम कॉलेज में थे, आप मेरे सीनियर थे, तो हम लोग कितना जाते थे आई डोनेशंस को लेने, बहुत ज़्यादा। कभी बागपत जा रहे हैं, कभी बड़ौद जा रहे हैं, आधी रात को। सही बात है। तो बस सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता था कि लोगों के मन में एक तरह की मिथ होती है कि आई डोनेशन में पूरी आंख को निकाल लिया जाता है, हाँ, और साबुत का साबुत दूसरे इंसान की आंख में लगा दिया जाता है। मतलब एक इंसान से आंख निकाली और दूसरे इंसान की आंख में लगा दी। तो क्या ये इस तरह का प्रोसीजर आई डोनेशन की कुछ डिफरेंट तरह का प्रोसीजर? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है ये सोच जो है लोगों की। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी आंख में एक काला एरिया होता है, शीशा, जिसे कॉर्निया भी हम कहते हैं, काली पुतली भी कहते हैं। वो एरिया सिर्फ काटा जाता है और वो काट के निकाला जाता है और वो ही लगता है सामने वाले, जो भी पेशेंट होता है उसको लगता है, ना कि कोई पूरी हमारी जो आईबॉल है वो निकलती है। राइट, सो आई थिंक हमारे ऑडियंसिस को ये समझना बहुत ज़रूरी है, हाँ, कि आई डोनेशन में ऐसा नहीं होता कि पूरी आँख को निकाल लिया, हाँ, और दूसरे की आँख में फिट कर दिया। आई डोनेशन भी जब एक इंसान करता है तो आँख का सिर्फ जो सामने का हिस्सा होता है, जिसको हम लोग काली पुतली कहते हैं या आंख का शीशा कहते हैं, सिर्फ उस स्ट्रक्चर को जो है डोनेट करा जाता है और उसी स्ट्रक्चर को फिर दूसरे इंसान या पेशेंट की आंख में लगाया जाता है। बिल्कुल सही। तो बॉस, क्या हर इंसान आंखों का डोनेशन कर सकता है? क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये भी मिथ्स होती हैं कि जैसे हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया हुआ है, या किसी ने के आंख में चश्मे का नंबर है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे शरीर में बीमारी थी तो हम अपने ऑर्गन्स का डोनेशन नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा भी कुछ है? जो आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है जिसके तहत एक सर्टेन बीमारियां हैं, कैंसर हो गई, सेप्टिसीमिया हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, देर आर सर्टेन डिसीजेज जो अगर पेशेंट को, जो मरने वाले को अगर है, तो फिर उसके तहत हम वो कॉर्निया हम एज अ पेशेंट, लिविंग पेशेंट को नहीं दे सकते। उसके बदले वो हम वेट लैब, मेडिकल कॉलेजेस में ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, right, ना कि हम जो है एक लिविंग पेशेंट को देंगे। राइट, ये सो हमारी ऑडियंसेस को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हर इंसान अपनी आंखों का दान कर सकता है। बिल्कुल, और दान करी हुई आंख को एक पेशेंट में भी यूज़ करा जा सकता है और ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करा जा सकता है। बिल्कुल। तो मान लीजिए जो इंसान अपनी आंखों का दान कर रहा है उसे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे सेप्टिसीमिया की प्रॉब्लम है, या उसकी मृत्यु जो है वो शॉक से हुई है, या ऑर्गन फेलियर से हुई है, या आई कैंसर है, या कोई ब्लड का कैंसर है जैसे ल्यूकीमिया, या जैसे टेटनिस की प्रॉब्लम है, या रेबीज की प्रॉब्लम थी, तो इन सब सिचुएशंस में दान करी हुई पुतली को दूसरे इंसान की आंख में नहीं लगाया जाता। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दान करी हुई पुतली को ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ करा जाएगा, और अदरवाइज अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उस पुतली को हम दूसरे इंसान की आंख में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो सर, अब मान लीजिए किसी इंसान को अपनी आंखों का दान करना है, ठीक है, तो इसका क्या प्रोसीजर होता है? कैसे एक इंसान अपने जीवन काल में ये डिसीजन ले कि मेरे को करना है, और क्या प्रोसेस फॉलो करे कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आंखों का दान हो सके? प्रोसेस बहुत सिंपल है। आजकल ऑनलाइन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल,
आप जस्ट गूगल इट, आई बैंक ऑफ इंडिया ने सारे जो ऑथराइज्ड आई बैंक्स हैं हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट सेटअप्स में, सब जगह अवेलेबल है। ऑनलाइन सबके नंबर हैं, आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आप वहां जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं कि भाई मैं नेत्रदान करना चाहता हूँ। तो अगर आप रजिस्टर करेंगे, दे गिव यू अ कार्ड, दे गिव यू अ रजिस्ट्रेशन नंबर, आप वो अपनी फैमिली में दे सकते हैं कि भाई मेरी मृत्यु के बाद आप इस चीज़ को वहाँ पे दिखा के और टीम को बुला सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब इसमें कोई इतना बड़ा कोई काम नहीं है। आप ऑनलाइन करिए या फिर आप इन पर्सन जाके या टीम को भी बुला के आप कर सकते हैं कि मुझे आई डोनेट करनी है। राइट, सो आई अगर किसी की इच्छा है कि वो अपनी आँखों का दान करना चाहता है, तो सबसे पहला तरीका तो बहुत जैसे हमने डिस्कस करा कि आप अपने नियरेस्ट जो भी आई बैंक है वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा लो, रजिस्टर, और वो आपको एक कार्ड दे देते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमें ये समझना है कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे जो फैमिली वाले हैं या हमारे रिश्तेदार हैं वो ये पूरा प्रोसेस करेंगे डोनेशन का, क्योंकि हमारी तो डेथ हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपने फैमिली वालों को हमें सेंसिटाइज करना या उनको बता के रखना बहुत जरूरी है कि भाई जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है मेरी आंखों का दान करा जाए, और फैमिली वालों को अपने कॉन्फिडेंस और लूप में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया आई बैंक में, तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान दान नहीं कर सकता। तो अगेन आपको अपने फैमिली वालों को अगर आप अपनी इच्छा बता के जाते हैं कि मेरी आंखों का दान कर देना, और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो फैमिली वाले उस समय भी आई बैंक को कॉल करके डॉक्टर्स की टीम को बुला के आंखों का दान करा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब मान लीजिए सर, अब घर में मृत्यु हो जाती है, तो अब घर वालों को क्या क्या स्टेप फॉलो करना है जिससे आई डोनेशन में कोई बाधा ना आए, स्मूथली हो जाए प्रोसेस? सबसे पहले तो जो हमारा जिसकी डेथ हुई है उसकी आई को प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व इन द सेंस कि अगर हम रिलेटिव्स या घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो हमें आँखों को क्लोज रखना है या उस पर कॉटन लगा देनी है, एसी चला देना है, पंखे के नीचे डायरेक्ट डेड बॉडी को नहीं रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि हम प्रिजर्व कर सकते हैं जो कॉर्निया है, जो काली पुतली है, जिसमें से उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, और जो कि जो पर्पस है डोनेशन का, वो डोनेशन का पर्पस बरकरार रहे। राइट। सो अगेन हमारे ऑडियंसेस को ये समझना है कि रिलेटिव्स या फैमिली वालों का बहुत रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मान लीजिए किसी के घर में डेथ होती है, तो सबसे पहला काम है रिलेटिव्स का कि वो आई बैंक में कॉल करें और उनको एक तरह से इन्फॉर्मेशन दे कि डेथ हो गई है, और डॉक्टर्स की टीम को भेजे आई डोनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि आंखों को बचा के रखा जाए, कि आंख खराब ना हो। खराब। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आंखों को सूखने से बचाना है। सूखने से, मेन पॉइंट इज सूखना। यस। तो हम लोग रिलेटिव्स को सलाह देते हैं कि भाई सबसे पहले तो मृतक व्यक्ति जो है, अगर उनके ऊपर कोई पंखा है तो उसको बंद कर दिया जाए। आंखों को साइड से खींच के बंद कर दीजिए ताकि आंखों में थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन रहे। या साथ ही साथ आंखों पे टेप लगा सकते हैं, या कॉटन को गीला करके थोड़ा सा उसके ऊपर रख सकते हैं ताकि आंखें थोड़ा सा मॉइस्ट रहे। बिल्कुल। एंड अगर घर में एसी है तो उसको ऑन कर लेना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट थोड़ा सा ठंडा रहे। एंड बट ये ध्यान रखना चाहिए कि एसी की हवा डायरेक्टली आंखों पर नहीं आए, बेसिकली हमें ड्राइनेस से बचाना। यस। एंड कभी कभी हम ये भी सलाह देते हैं सर कुछ लोगों को, जैसे आजकल लोग लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को बहुत यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे एक वो हरी बोतल में आती है, तो उसको भी आप आंखों में डाल के थोड़ा सा लुब्रिकेट करके उसको कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जब तक डॉक्टर्स की टीम आपके घर पहुंचती है। तो बस अक्सर हम देखते थे जब हम लोग जाते थे आई डोनेशन करने, तो जब हम घर पे पहुंचते थे तो हम लोग देखते थे कि सारे रिश्तेदार हम लोगों को घेर लेते थे। बिल्कुल। कि डॉक्टर साहब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। बिल्कुल। तो ये मैं सारे अपने ऑडियंसेस को बताना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर्स की टीम घर पहुंचती है आपके, बिल्कुल, तो आप उनको अपना काम तसल्ली से करने दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मृत्यु के बाद कितने समय में आंखों का दान करा गया या कितने समय बाद आंखों को बॉडी से निकाल लिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे में आंखों का दान हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसके बाद और डिले हो जाता है तो पुतली जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। एक चीज ऐड करूंगा मैं इसमें कि पुतली खराब होना भी शुरू हो जाएगी, प्लस जब हम जाते हैं, जैसे तुम्हें याद हो कि हम लोग ब्लड सैंपल्स भी लेते थे, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन आई डोनेशन। तो
डिपेंडिंग अपॉन दैट 1 से 2, 3 घंटे, 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे के अंदर टीम पहुंच जानी चाहिए, जिससे कि जो डेड बॉडी है हम उससे सैंपल्स कलेक्ट करें। देर आर सर्टेन गाइडलाइंस बाय दी आई बैंक ऑफ इंडिया कि आपको ये ब्लड टेस्ट कराने ही कराने हैं बिफोर गोइंग फॉर आई ट्रांसप्लांट। राइट, तो जैसे ही डॉक्टर्स की टीम वहाँ पहुँचेगी, प्लीज़ आप उनको तंग मत करिए, उनको अपना काम करने लीजिए। आई डोनेशन जो पूरा प्रोसेस है करीब 30 मिनट का होता है, बहुत उससे ज़्यादा लंबा तो होता नहीं। बिल्कुल। एंड एक बार ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद आपके मन में जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। एंड जब आपकी टीम पहुँचेगी, जैसे डॉक्टर्स की टीम आपके घर पहुँचेगी, तो सबसे पहले वो वहाँ पर आपसे एक फॉर्म को साइन कराएगी जिसमें क्लोजेस्ट रिलेटिव का साइन होना है और दो और विटनेसेस का साइन होना है। बिल्कुल। एंड उसके बाद आपका ये प्रोसेस शुरू होगा। साथ ही साथ वहाँ पे जो टीम आती है वो मृतक के ब्लड का सैंपल भी लेती है ताकि बाद में इस सैंपल को प्रॉपरली टेस्ट करा जा सके, क्योंकि जब ये पुतली आई बैंक में जाएगी तो साथ ही साथ ब्लड सैंपल भी जाएगा। और ये जो सारी बीमारियां जो हम बहुत बात कर रहे थे कि इन सब बीमारियों में हम दूसरे इंसान की आंख में वो पुतली को नहीं लगा सकते, वो सब चेक करा जाता है। पुतली को चेक करा जाता है कि पुतली कितनी हेल्दी है, किस के इस्तेमाल में आ सकती है, तो ये सारा आई बैंक में चेक करके फिर पुतली को आगे यूज करा जाता है। बिल्कुल। बस कई लोगों के मन में इस तरह की भी मिथ्स होती हैं कि जैसे अब किसी इंसान का आई डोनेशन होगा उसकी आंखों को निकाल लिया जाएगा तो शक्ल दिखने में खराब लगेगी। अच्छा, तो क्या ऐसा भी होता है कि मतलब शक्ल खराब हो जाती है निकलने से? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा, क्योंकि जो भी हम करते हैं प्रोसीजर वो हमारी जो लिड है आंखों का, जो आई लिड है, लिड को ऊपर करके अंदर सिर्फ काला एरिया निकालते हैं, ना कि हम ऊपर से कॉस्मेटिकली कुछ चेंज करते हैं। जो भी हम कर रहे हैं वो आई लिड जो है हमारी उसके अंदर कर रहे हैं। तो जब निकाल लिया, एक बार हमने कॉर्निया काली पुतली निकाल लेते हैं, तो फिर हम उस लिड को बंद करते हैं और एक छोटा सा टाका लगा देते हैं जिससे कि वो बंद हो जाती है आँख। तो ऐसा लगता है कि आँख बंद है, तो कोई डिसफिगरमेंट या कोई ऐसा कॉस्मेटिक चेंज फेस पे या आई पे आते ही नहीं है। राइट, सो आई थिंक ऑडियंस इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब मृतक इंसान की आँखों का दान करा जाएगा तो आँख, अगेन जैसे हमने डिस्कस करा, पूरी नहीं निकाली जाती, आंख के सिर्फ आगे का हिस्सा जिसको काली पुतली कहते हैं उसको निकाला जाता है। और उसको निकालने के बाद हम जो मृतक की पलकें हैं उसको बंद करके एक छोटा सा टांका लगा देते हैं जिससे सामने से देखने में शक्ल बिल्कुल खराब नहीं लगती और ऐसा पता भी नहीं चलता कि आंखों का दान हुआ। बहुत लोगों के मन में बड़े सुपरस्टिशंस भी होते हैं। बहुत है, बिल्कुल। लोगों को लगता है कि अगर हम अपनी आंखों का दान कर देंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। बिल्कुल। या कुछ लोगों को लगता है कि ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये जो नहीं करेगा। बिल्कुल। आधे शरीर के साथ आ गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये भी हमें अपने ऑडियंसेस को क्लियर करना है कि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो साइंटिफिक बातें हैं। बिल्कुल साइंटिफिक बातें हैं। एंड मतलब हमारे मरने के बाद बॉस हमारे शरीर का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। या तो हम इसको जला देंगे, बिल्कुल, या तो हम इसको दफना देंगे। और अगर ये आंखें किसी के काम आ जाए, बिल्कुल, और इनकी वजह से कोई दोबारा देख पाए, बहुत, तो इससे ज्यादा पुण्य का काम और क्या ही हो सकता है। पुण्य का काम सेल्फ सेटिस्फैक्शन कह लो, फुलफिलमेंट है, फुलफिलमेंट, प्राउड अचीवमेंट है लाइफ में। अब इसमें एक चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगा, देयर आर सर्टेन सोसाइटीज, कम्युनिटीज, जो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि आई डोनेशन करना चाहिए। देयर इज वन ग्रुप, अगर तुम्हें याद हो, बड़ौत में जैन सोसाइटी, जैन कम्युनिटी, उन्होंने बहुत काम किया था। दे यूज टू कॉल अस, मतलब महीने में हम लोग एटलीस्ट 2 डेथ्स अगर हो रही हैं तो उसमें कॉल आ जाता था रात के 12 बजे, 1 बजे कि आइए आई डोनेशन करना है। वो एक कम्युनिटी ऐसी है कि वहाँ पे उनके इतने वॉलेंटियर्स हैं जो काउंसलिंग भी कर रहे हैं साथ में कि आई डोनेशन करने से कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है आपका भी, आपकी अंतर आत्मा को भी शांति मिलेगी और प्लस जिसे डोनेट होगा उसकी फैमिली कितनी दुआ देगी। आई नो, तो ये वाली चीज जो है कोई कोई सोचता नहीं है। कितनी बार ऐसा देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आता है, बिल्कुल, और देख नहीं पा रहा और उसको ये पता लग जाता है कि अगर मेरी आंख की पुतली बदल दी जाए तो मैं दोबारा देख पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिन से बॉस उस पेशेंट का मैंने कितनी बार देखा है, बस एक ही मोटिव रह जाता है लाइफ में कि किसी तरह कोई इंसान अपनी आंखों का दान कर दे। बिल्कुल। और वो दान करी हुई आंख मुझे मिल जाए और मैं दोबारा देख लूँ। बिल्कुल। और फिर भी हमारे देश में लोग नहीं करते, तो आई थिंक इस वीडियो से हम ये मैसेज देना चाहते हैं आप सब लोगों को दैट वी शुड ऑल प्लेज टू डोनेट। बिल्कुल। नेत्र दान बॉस महादान है। बिल्कुल। इससे ऊपर दान और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। एंड हमारे मरने के बाद अगर हम अपनी आंखें दान करते हैं तो किन दो इंसानों को,
एक इंसान दान करेगा तो दो इंसान दोबारा देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे ऑडियंसेस मोटिवेट होंगे। एंड आपके मन में आई डोनेशन को लेके कोई डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमें कॉल करिए, एंड वी वुड लव टू गाइड यू कि कैसे आई डोनेशन के प्रोसेस को करा जाता है। करा जा सकता है। बिल्कुल। फिनिश है बस।